तो लाइफ आपको हिट करे तो आप बदले में लाइफ को हिट करें, मतलब हार तो आपकी इसमें है गिर करके भी ना उठने में, अगर आप गिर करके उठते हैं तो दर्द इतना होता है जैसे किसी भी चीज़ को शिद्दत से चाहो और वो ना मिले, मोटिवेशन गिर जाता है, हर चीज़ जैसे कि एनर्जी जैसे कैसे लगते हैं कि यार आप छोड़ दें, अब कुछ नहीं हो सकता हमारे से, हम कुछ कर नहीं सकते, जैसे कि पूरा एनर्जी खत्म हो जाता है, हिम्मत हार जाते हैं, हौसले हार जाते हैं। जब भी अगर आप तैयार हो तो लाइफ आपको हिट करे तो आप भी बदले में लाइफ को हिट करें। जब भी अगर आपको बड़ी से बड़ी चुनौती आए आपके सामने तो उसे स्वीकार करो, और आपके हार इसमें नहीं है कि ठोकर लगे आप गिर गए, हार तो आपकी इसमें है गिर करके भी ना उठने में, अगर आप गिर करके उठते हैं तो दर्द इतना होता है जैसे किसी भी चीज़ को शिद्दत से चाहो और वो ना मिले, मोटिवेशन गिर जाता है, हर चीज़ जैसे कि एनर्जी जैसे कैसे लगते हैं कि यार आप छोड़ दें, अब कुछ नहीं हो सकता हमारे से, हम कुछ कर नहीं सकते, जैसे कि पूरा एनर्जी खत्म हो जाता है, हिम्मत हार जाते हैं, हौसले हार जाते हैं, तो इसी टाइम पे हमें कोई ना कोई अपने हिसाब से सेक्रीफाई करना पड़ता है, मोटिवेट लाना पड़ता है, तो ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। आपको उठने में क्षमता है, चलने में क्षमता है, तो उसी समय आप 90% लोग में से 1% लोग में आ जाते हैं। क्या उस ठोकर को उस दर्द को पी करके आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हो, इसका अगर आपका जवाब है हाँ तो इसी समय 99% लोग में से आप 1% लोग में आ जाते हैं। 1% लोग में आ जाते हैं तो फर्क नहीं पड़ता है कितने एनर्जी खर्च किए, कितना टाइम खर्च किए, कितना पैसा खर्च किए, और कोई चीज़ मैटर नहीं करता है, कितना सेक्रीफाई किए, ये सब कोई चीज़ मैटर नहीं करता है, बस एक ही जुनून होता है हमें जितना है तो जितना है, लक्ष्य तक हमें कैसे भी करके पहुंचना है। लाइफ कभी भी आपको ठोकर मार के गिराता है मगर हराता नहीं है। जैसे कि आपने एक शायद शायरी सुनी होगी कि हर एक लड़कियों का हंसना एक अदा है, अगर उसे प्यार समझे तो वो सबसे बड़ा गधा है, अगर आपको वो बाज का उड़ान करना है तो तितलिया का चक्कर छोड़ना पड़ता है, क्योंकि अगर आपको बाज के उड़ान भरना है तो तितली का चक्कर छोड़ना पड़ता है। बहुत से जगह कहते हैं कि यार कोई भी काम करने में मज़ा नहीं आ रहा, इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। अरे यार एक बात बताओ, जो भी काम करने में मज़ा है वो इंसान काम तो करेगा ही, पैसा भी कमाएगा, मज़ा भी करेगा। एक बात याद रखना कभी भी कि जो चीज़ में मज़ा आता है उस चीज़ में सक्सेस कभी मिल ही नहीं सकता है, चाहे कोई भी इंसान हो चाहे किसी भी चीज़ में हो। जब भी अगर आप कोई भी बढ़िया काम भी कर रहे हो तो जिस टाइम आप करिएगा उस टाइम में मजा आ ही नहीं सकता है, सक्सेस मिलने के बाद आपको मजा आए वो अलग सी बात है, मगर जिस टाइम आप कर रहे हो उस टाइम मजा नहीं आता है, मोटिवेट गिर जाता है, दिल नहीं करता है कि उसको मैं कोई चीज़ करूँ, ऐसा कोई काम करूँ, उस टाइम मजा नहीं आता है। जब आपको लक्ष्य मिल जाता है तो ही आपको मजा आता है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जब भी अगर आप कोई काम करने जाए तो मजा आना भी है तो भी आपको करना है, क्योंकि सक्सेस उसी चीज़ में मिलती है जो चीज़ में मजा नहीं आता है, ये चीज़ याद रखना मैं कह रहा हूँ। जब आप यहाँ तक पहुँच गए तो बस हमें जीतना है तो जीतना है, लाइफ हमें ठोकर मार के गिराती जरूर है मगर लाइफ हमें कभी हराता नहीं है, हारना तो हमारी चॉइस है, कभी भी लाइफ हमें गिराता जरूर है मगर हराता नहीं है। दिल भी टूटे हैं, अपने भी रूठे हैं और पढ़ाए भी रूठे हैं, तो उस समय भी अगर आप मोटिवेट आ जाता है कि बस हमें जीतना है जितना है, मकाम हासिल करना है करना है, जैसे कि हर एक इंसान का कोई ना कोई गोल सेट होता है कि हम ये मंजिल ये मकाम हमें किसी भी तरीके से हासिल करना है, ये चीज़ हर एक इंसान के अंदर होता है, अगर ये इंसान जो सेट कर लेता है उसी इंसान लाइफ में आगे चल के सक्सेस होता है, क्योंकि उसका गोल सेट रहता है, उसका मंजिल वही रहता है, मकसद वही रहता है, सिर्फ उसको जो रॉकेट होता है उसको स्टार्ट करने की देरी होती है, स्टार्ट होने के बाद इतना पिकअप में जाती है कि जितना पिकअप में प्लेन जाने की सोच भी नहीं सकता है, इसलिए कहते हैं गोल सेट रहता है, मसाला तैयार रहता है, तीली मारने की जरूरी रहता है, गोल सेट होने के बाद इस तरीके से रहता है इंसान और होता भी, और वो जिसका गोल सेट होता है वो इंसान लाइफ में तरक्की करता है और सक्सेस होता है। इसलिए जब भी अगर आप कोई लक्ष्य की तरफ बढ़े या कोई मकसद की तरफ बढ़े तो सबसे पहले अपनी गोल सेट करें, कि हमें सबसे पहले माइंड सेट और गोल सेट करना पड़ता है जो इंसान के लिए जरूरी होता है और जरूरी भी होना भी चाहिए। तो इस तरह की मोटिवेशनल वीडियो अगर आपको चाहिए तो कमेंट करके हमें जरूर बताना और